इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर मेरा पूरी दुनिया का जिम्मा है, ठीक है, चाहे मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ, वाबी हूँ या जो भी हूँ, मालिकी हूँ या शाफी हूँ, हम्बली हूँ या हनफी हूँ, इट डज नॉट मैटर। बहुत छोटे मसाइल है वो, जो असली मसला है कि पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम किस लेवल के ऊपर इंटेलेक्चुअल मूव करेगा। ये पहला बता रहा हूँ, दो पिलर्स हैं आपके, दूसरी वो पॉलिटिकल मूव है, मगर पॉलिटिकल मूव हो ही नहीं सकती जब तक आप इंटेलेक्चुअली सुपीरियर नहीं है दुनिया। यहूदियों ने इंटेलेक्चुअली सुपीरियर पहले मनवाया कॉमन सेंस के थ्रू, और पॉलिटिक्स चमक गई उनकी, उनके स्टूडेंट्स को रोका गया है, इसराइल ना हो भाई, हमें पता तुम्हारा काबा इधर ही है, ना हो, हमें तुम्हारी जरूरत कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में, हमें तुम्हारी जरूरत आईवी लीग्स में। स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं उनके उलमा मशायख उनके, कि मत आओ, इतना जज्बा नहीं चाहिए तुम्हारा, हमें तुम्हारी प्रेजेंस चाहिए। पाकिस्तान में वो चल रहा है, सबसे लोएस्ट रैंक के ऊपर डिस्कशन, कपड़े कौन से, सेल कहाँ लगी हुई है, अगला मैच कब है, नवाज शरीफ ने कौन सी वीडियो लीक की है इमरान खान की, तो इमरान खान ने कौन सी, मरियम नवाज। ये हमारे स्टूडेंट्स ये बातें कर रहे हैं, 35 सर्जरियां कर चुके हैं, हर मसलक अपनी सर्जरी करने की कोशिश कर रहा है, अहले हदीस अपनी, बरेलवी अपनी, देवबंदी अपनी, शिया अपनी, सुन्नी अपनी, हर मसलक सर्जरियां कर रहा है। मसला क्या है इनके साथ, सारे डॉक्टर इकट्ठे होते हैं, हर दफा ये आता, कोई तो मसला है, बताता नहीं हूँ सर, मसला असल में मेरा दिमाग खराब है। आपकी अपनी बातों में क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, और ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही, ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तब मुसलमानों के लोग ताबे आएंगे ना। यहूदियों ने इंटेलेक्चुअली सुपीरियर पहले मनवाया कॉमन सेंस के थ्रू, और पॉलिटिक्स चमक गई उनकी, उनके स्टूडेंट्स को रोका गया कैम्ब्रिज ना छोड़ना, मैं जानता हूँ, उनके स्टूडेंट्स को रोका गया है, इसराइल ना हो भाई, हमें पता तुम्हारा काबा इधर ही है, ना हो, हमें तुम्हारी जरूरत कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में, हमें तुम्हारी जरूरत आईवी लीग्स में। स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं उनके उलमा मशायख उनके, कि मत आओ, इतना जज्बा नहीं चाहिए तुम्हारा, हमें तुम्हारी प्रेजेंस चाहिए, और यही किया उन्होंने। फिर फॉरेन पॉलिसी कौन लिख रहा है, यूएन की, यहूदी कौन, कैम्ब्रिज का पीएचडी है, छोड़ के तेल अवीव क्यों नहीं आया, कहता मैंने 3 दफ़ा रैबाई से बोला है कि मैंने इसराइली खिदमत करनी है, इससे तो और किसकी खिदमत करवा रहे तेरे से, इधर आके तूने दीवारें चाटनी है, जो दीवार भी करते हैं ना वो, तूने दीवार चाटनी है इधर, तुझे अल्लाह ने वहाँ पे रखा है, वहाँ से इसराइल की खिदमत कर, कैसे क्लैरिटी के साथ स्ट्रक्चर करते हैं। आपको भी यही कह रहा हूँ बेटा, पिछली नस्लों ने ये काम नहीं किया, आप लोगों ने करना है, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी से वो वाली बातें नहीं आती, ये लेवल्स हैं हायरार्की के कायनात की सॉल्यूशंस, फिर दुनिया के सॉल्यूशंस पॉलिटिकल साइंस, फिर लोकल नेशनल लेवल के सॉल्यूशन, और फिर पर्सनल सॉल्यूशन, और उसके बाद गिबते। पाकिस्तान में वो चल रहा है, सबसे लोएस्ट रैंक के ऊपर डिस्कशन, कपड़े कौन से, सेल कहाँ लगी हुई है, अगला मैच कब है, नवाज शरीफ ने कौन सी वीडियो लीक की है इमरान खान की, तो इमरान खान ने कौन सी, मरियम नवाज। ये हमारे स्टूडेंट्स ये बातें कर रहे हैं, तो उसकी आपकी उम्र में आपने सिर्फ किताबें, सर ओवर स्टिमुलेट हो जाती है किताबों से डालने के लिए, हाँ ओवर स्टिमुलेट करें कि किताबों में घुसो, स्टूडेंट का काम सिर्फ किताबें याद रखिएगा, एट योर एज यू बी टू बी एक्सपर्ट्स ऑफ बुक्स, इन 10 years यू विल नॉट हैव द टाइम फॉर बुक्स बिकॉज यू विल बी एक्चुअली इन्वॉल्व इन पीपल एंड पीपल अफेयर्स। कैसे हो सकता है, सारी किताबें पढ़ते हैं नोबेल प्राइज में से कोई एक मुसलमान निकाल के दिखाएं जो फिजिक्स आती है, मैं नहीं नोबेल प्राइज की चेसर हूँ, मगर एक टेस्ट तो है ना, कभी किसी ने लिए, केमिस्ट्री में लिया हो, बायोलॉजी में लिया हो, मैथमेटिक्स का फील्ड मेडल किसी मुसलमान के पास हो, उनको पढ़ लगे हुए हैं, वो ग्लोबल प्रॉब्लम को सोचते हैं उसके सोल्यूशन में नोबेल प्राइज निकाल लेते हैं। प्रैक्टिकली है कि आप बुक्स में डाइव डीप करें। मैं कह रहा हूँ दो चीज़ें बेटा, इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी, चाइनीज किसी वजह से मशहूर है ना, कोई एक स्किल है ना उनकी, मैथमेटिक्स की वजह से मशहूर है ना वो, ठीक है, यहूदी अपनी इंटेलिजेंस की वजह से क्यों मशहूर है, नोबेल प्राइज के ऊपर उनका एक मेजर आ गया था, एक मेजर है उनका, ठीक है, वो वैसे ही इंटेलिजेंस की वजह से ही मशहूर थे पहले भी, मुसलमान किस वजह से मशहूर है, नहीं 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 किसी वजह से कोई कॉम्पिटेंस नहीं हमारी रजिस्टर हो रही ना, मैं इसको इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी में कह रहा हूँ मैं, कि आपकी फिलासफीज, आपकी किताबें, आपके सॉल्यूशंस टू द वर्ल्ड,
ये अगर पब्लिश होने लगे और लोग अक्लेम करना शुरू करते हैं, नीचे का नाम क्यों जानते हैं आप? कि हम कुरान को रेफरेंस बुक बनाएं तो उसके बाद यहाँ से मतलब आयात से हम निकालें और जी, और जी हाँ, और लोगों ने मुतशाबिहात में पड़ गए तो फिर तो हमें क्या, कितनी मुतशाबिहात की आयतें हैं कुरान में? नहीं नहीं नहीं, कितनी है मुझे पता है, कितनी है, कितनी आपको नंबर नहीं पता सर, ये मसला है बेटा, स्टूडेंट को पता होता है ना मुतशाबिहात में नहीं जाना। वे डिड यू फाइंड द टाइम 24 सालों में आपके पास किताबों के अलावा, आर्ग्यूमेंटेशन और लॉजिकल स्टडी के अलावा आपके पास टाइम कहाँ से आया? पता कहाँ से आया? अम्मी अबू ने टॉक शो के ऊपर ट्रेन किया हुआ है हमें। आपने 4 साल की थी ना, गो बैक टू योर क्लोजेस्ट अर्लीस्ट मेमोरी, आपको पता चलेगा जियो टीवी पे हामिद मीर, अल्ताफ हुसैन और इमरान खान बैठे हुए होंगे, जरदारी या वो बैठा होगा, बचपन से आपकी ट्रेनिंग हुई हुई है मेरी और आपकी। एवरी सिंगल डे यू से द वर्ड इमरान खान, डोंट यू? Every single day you say the word Maryam Nawaz Sharif. And not even once a year you talk, say Saad bin Maaz, Ali bin Abi Talib ka falsafa. Never. So, jiski front yard ke andar rahenge, usi ka khana peena karenge na. Jiske living room mein rahenge, you're going to have a lifestyle of that person. That's why you don't even know that. But you are emulating your own discussions, emulating, ये psychology है हमारी, हम जिस discussion में होते हैं उसी की personality को emulate कर रहे होते हैं, subconsciously होता है, subconsciously हो रहा होता है इससे। Your body wants to be, act, say, speak, walk or talk like that person. Your body is doing that. Mimicry बोलते हैं इसको, ये हमारा prime chemical है जो कर रहा होता है, हमें पता, हम बताता भी नहीं है वो chemical आपका फलसफा भी उन लोगों के फलसफे के साथ, उनका स्याह आपका स्याह बन जाता है, उनका सफ़ेद आपका सफ़ेद बन जाता है, आपको पता भी नहीं होता। जब कोई कहे ना कि वो सहाबा थे, हम अब वो लेवल नहीं अचीव कर सकते, तो उनको सहाबा मतलब उनको कहा करें वो तो सहाबा थे, अबू बकर उमर तो सहाबा थे, मेरे पे जो टाइम आया ना अबू बकर उमर का नहीं है, आपकी वजह से आप मेरे पे, कोई और सहाबा का टाइम आ गया, उन सहाबा का नाम असहाबे काफ है। ओके, ये जवाब दें सबको, क्या फोर्स कर रहे हैं कि फिर हम निकलें गारों की तरफ? असहाबे कहफ भी तो सहाबा ही थे ना, अल्लाह ने कह दिया ना सहाबा है वो, असहाबे कहफ है। आप कहते हैं मैं उमर बिन खताब नहीं बन सकता, ठीक है, रेप्यूटेशन ऑफ इस्लाम डैमेज हुई हुई है, तो मैं उसको सैलवेज करने की मशीन नहीं हूँ, मैं पतली गली से निकल के पास घर गाड़ी और बीवियाँ बनाने की मशीन हूँ, ठीक है, आई गेट इट, मगर फिर असहाबे कहफ हूँ मैं, फिर मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं हमेशा आई एम एस को भी यही सेशन बोलता हूँ कि आप वाकई में जो हालात चला दिए उन्होंने, तो आप असहाबे काफ की रूलिंग ही लगानी पड़ेगी हमें, मगर ये एक्सट्रीम है, साइकोलॉजी में एक्सट्रीम है। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी असहाबे काफ वाला टाइम नहीं है, अगर आपने स्टेप ना लिया तो आपके बच्चे असहाबे काफ वाला स्टेप लेंगे, अगर वो हक तक पहुँच गए वहीं, वरना वो भी मेयर और आपकी फोटो कॉपीज होंगे, वो भी ये कहेंगे यार लेक्चर बड़ा अच्छा था मगर कुछ बातें कहीं निकाल देना उसमें से, थोड़ा सा उसामा बिन लादेन टच था उसमें। मैं और आप इस्लाम से शर्मिंदा हैं, ये सबसे पहले एडमिट करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब ये बीमारी निकालो, क्या बीमारी? मैं अपनी फिलॉसफी से शर्मिंदा हूं सर। जब डॉक्टर बीमारी देखेगा तो निकालेगा ना, हम बताते ही नहीं है, दर्द सर में हो रहा है सर, पेट पेट, उसने पेट खोल के 10 दफा देख लिया है, आप पेट के ऊपर कट लगने की बीमारी लग गई है, इंफेक्शन हो गए, इतनी सर्जरी हो चुकी है पेट की, सारे डॉक्टर इकट्ठे होते हैं, हर दफा ही आता कोई तो मसला है, बताता नहीं हूं सर मसला, असल में मेरा दिमाग खराब है, 35 सर्जरियां कर चुके हैं, हर मसलक अपनी सर्जरी करने की कोशिश कर रहा है, अहले हदीस अपनी, अहले बरेलवी अपनी, देवबंदी अपनी, शिया अपनी, सुन्नी अपनी, हर मसलक सर्जरियां कर रहा है, मसला क्या है इनके साथ, हम बताएंगे हल क्या है? वो आइसिस वाले इतना, हाँ खिलाफत आ गई, खिलाफत आ गई, दुनिया में हर मुसलमान मार दिया, इसराइल अभी तक पर फिलहाल के सामने बैठे, एक बम नहीं, इससे बेहतर तो सदाम हुसैन था, हर रोज जमेरात की सुबह स्कड मिसाइल लॉन्च करो तेल अवीव पे, 2 नंबरी टेक्निक थी, मगर एटलीस्ट कार तो किसी असली दुश्मन पे हमला रहा था ना, समझ रहे? सो जिस किताब को वो मानते हैं पूरी तरीके से मानते हैं, वो सूरह बनी इसराइल वाले यहूदी हैं अभी तक, हम सूरह बनी इसराइल वाले मुसलमान नहीं हैं, बनी इसराइल यहूदियों की
उस वक्त हम सूरह बनी इसराइल वाले ही मुसलमान थे जब सूरह बनी इसराइल आ रही थी, और यहूदी वो वाली सुपीरियर साइकोलॉजी में आ ही नहीं सकता था मुसलमान के सामने। अब यहूदी हमारे सामने खड़ा होता है और हम इन्फीरियर साइकोलॉजी में होते हैं और वो सुपीरियर साइकोलॉजी में होता है। वो अपने ट्रूथ को ट्रूथ मान रहा है और हम अपने ट्रूथ को छुपा रहे। ये है हमारा प्रॉब्लम। ये इसलिए कह रहा था अम्मी कॉन्फिडेंस देती है बेटा, अब्बू देते हैं, उड़ना कैसे? यहूदी के बाप को कौन सी साइंस आती है? कोई पर लगा बच्चा पैदा होता है यहूदियों का? जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आफला याकिलून, अकल नहीं करते, लअल्लकुम तफक्करून, तफक्कर फिकर क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं हो कि ये कैसे हो रहा है सारा मामला, तो तहकीक के दरवाजे क्यामत तक नहीं बंद हो सकते कुरान। आपको पता है आइंस्टाइन ने क्या मसला और फिजिक्स के प्रोफेसर आपका मसला हल कर रहे हैं? आपको पता नहीं इस बात का? बायोलॉजिस्ट आपके मसाइल हल कर रहे हैं, मेडिकल साइंस में आपके मसाइल हल होते हैं, मेरे मसाइल हल होते हैं, समझ रही हैं? इसलिए उनके ताबे हैं ना हम। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? दे आर ट्राइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स बट वी आर नेवर गोना सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। इसलिए हमने साइंस को जो तलाक दे दी है। यहाँ से मुसलमान होता है कि पूरी बिलीफ ले आता है कि भाई यही है बस, प्रूफ कर दो कि ये वर्जन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से नहीं है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कोई और वर्जन है तो मैं मान लूंगा, मगर ये ना कहो कि नबी अलैहिस्सलाम के अलावा भी कोई वर्जन है। ये कह दो कि हदीस का मतलब कुछ और है जो आपने समझा, ये ना कहो कि हदीस के अलावा भी कोई हक है। ये जुरत नहीं आ रही मुसलमानों में। जो वो वाली हदीसें जो कि कुरान पाक की वो वाली आयतों को इन्वाइट करके पूरा का पूरा फिजिक्स का मामला सॉल्व करके दे रही हैं, सिदरतुल मुंतहा से पानी निकल रहा है कि जड़ से और नील में आ रहा है, ये आयत है कि हदीस है, ये हदीस है, तो ये भी मुतशाबिहात है, तो पानी ऊपर से नीचे कैसे आ रहा है? हम ये बेसिस कहाँ से लें कि हमने काम करना है कि हमने ये चीज़ प्रूव करने के लिए तुम मुतहा से पानी आ रहा है? ये नबी इस्लाम ने कह दिया ना आ रहा है, प्रूफ तो होगी मेरे लिए, तो प्रूफ है ना। लेकिन हम इस तक कैसे मतलब सर पुत्र आवाज समझ रहे हो आपने? कभी भी नहीं हुआ ये। अब अगर नहीं नहीं इस तरह की, तो मैंने एक चीज बताई आपको पुत्र, एक चीज बताई, इस तरह की हजारों चीजें हैं जो कि दुनिया सिर्फ फिजिक्स के स्टेम फील्ड के प्रोफेसर के ताबे क्यों हुई है? दे आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर पीपल। मुसलमान किसी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा सिवाय कह रहा है निकाह कैसे करना है, तलाक कैसे देनी है, हज कैसे करना है, रोजा कैसे रखना है, इससे किसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर मेरा पूरी दुनिया का जिम्मा है, ठीक है, चाहे मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ, वाबी हूँ या जो भी हूँ, मालिकी हूँ या शाफी हूँ, हम्बली हूँ या हनफी हूँ, इट डज नॉट मैटर। बहुत छोटे मसाइल है वो। जो असली मसला है कि पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम किस लेवल के ऊपर इंटेलेक्चुअल मूव करेगा, ये पहला बता रहा हूँ, दो पिलर्स हैं आपके, दूसरी वो पॉलिटिकल मूव है, मगर पॉलिटिकल मूव हो ही नहीं सकती जब तक आप इंटेलेक्चुअली सुपीरियर नहीं है दुनिया। सो यू आर गोइंग टू क्रिएट अ इंटेलेक्चुअल वॉर वेव, द टाइडल वेव, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स एंड क्वेश्चंस हों, असली वाले सवाल हों। आपका नाम क्या है? आयशा। सवाल रोकने नहीं है, लड़ाई जारी रखो, लड़ाई छोड़नी नहीं है, सही पकड़े हुआ है, मगर इसी रास्ते इससे एक स्टेप आगे जो है ना आंसर्स खुलने शुरू होंगे, ठीक है? मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, इसी तरीके सोचती रहना ताकि पहुँच जाओ। दूसरी बात, आपने जिस नीयत से सारे के सारे सवाल किए हैं, अल्लाह का करे सबकी वो हो जाए, आप ठीक जगह पर ट्रैक पे आ रही है। हर एक को चैलेंज करें, मेरे समेत सबको, कि मैं गुमराह तो नहीं हो जाऊंगी। आप इंटेलेक्चुअल हो कह सकते हैं जब आप एक किसी फेक नॉलेज को या इवन एब्सोल्यूट नॉलेज को चैलेंज नहीं करेंगे, ताकि पता चले कि सर सही है आप। ये चैलेंज तो इस पाकिस्तान में है ही नहीं। मैंने आपको फर्स्ट हैंड अपनी नॉलेज बता देता हूँ ना, जो एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने ये भी चैलेंज करके स्टार्ट किया था, आप क्या समझ रही हैं? मेरे दो तीन घर हैं, हर घर पे आवाम इकट्ठी हो जाती है, हफ्ते में एक दफ़ा आ जाता है कि आप इसको नहीं छोड़ेगा, या पंजाबी में भी आते हैं खाली पठानी, किधर है निकालो इसको बाहर, कुरान से पोर्टल निकाल के बैठा हुआ है, आ जाते हैं, या फिर हाफिज साहब से बात करने की तमीज नहीं है इसको, आते हैं, क्या करें क्या करें? बताता हूं ना, दो ही चॉइसेस हैं, नीचे नीचे रेडार के नीचे रह के अपने बच्चों को कमजोर बोने बना बना के, बोने का मतलब है रेडार के नीचे ही रहेगा, कि कुछ भी ना ऐसा करी, अपनी लाइफ गुजार, अपना अपना खेल, किसी को कोई बात ना करी, जैसे कि
जिब्राइल अमीन ने आके आपको हक पहुंचा दिया, उसके बाद आप असाबे काफ हो चुके हैं, नीचे से निकल। ये ठीक है, फिर दूसरी ऑप्शन ये, और यही कर रहा है सब पूरा पाकिस्तान, नहीं कर रहा है। मुझे बात समझ आती है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम कैसे लेते हैं अगर आप साथ एंड में ये एप्लीकेशन बताते हैं उसकी। मुस्लिम इज ऑलवेज फर्स्ट बिलीफ मुसलमानों की, इंटेलेक्चुअलिज्म में रुक जाए, अल्लाह ने कहा था तुझे कोई नहीं मार सकता सिवाय मेरे। अल्लाह ने तो सबसे पहली आजादी आपको दी है कि जान किसकी है, अल्लाह की है, जब लेना होगा लेना। इज्जत किसकी है, अल्लाह की है, कोई नहीं बेइज्जत कर सकता, कोई नहीं मार सकता। सो यू आर द ओनली पीपल हु आर एक्सपोज। आप इस्लामाबाद में हैं, आप मेट्रो में हैं, आप एक्सपोज हैं, आपके पास यूट्यूब इंटरनेट, आपके पास किताबें, प्रोफेसर सारे प्रोफेसर एक्सपोज, सब का सब ग्लोबल लेवल के ऊपर पर्सपेक्टिव आपको दे रहा है। उसके बाद भी आपने वो बात की कि जो खुशदार और पशीन की लड़की और लड़का करते हैं, तो फिर तो मसला आपके साथ है ना। फिर माँ बाप को बात नहीं करें आप, माँ बाप नहीं बैठे हुए इधर हमारे, आप लोग इधर बैठे हैं। ये ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक्सपोजर आपके पास आया है, आपकी अम्मी और नानियों को पता भी नहीं है कि इस माहौल का मतलब क्या होता है। मेक श्योर IMS हमारा एक प्रोजेक्ट है, लैच ऑन टू इट, बिकम अ मेंबर, ज्वाइन दोज ग्रुप्स, स्टार्ट द बिग क्वेश्चंस, और आपके क्वेश्चंस आपके क्लस्टर्स के थ्रू इन्फ्लुएंस, क्लस्टर्स को इन्फ्लुएंस करने वाले हुए, वी विल पुट यू इन द टीम लीडर पोजीशन, लीड द पीपल टूवर्ड्स आर्ग्यूइंग फॉर द राइट क्वेश्चन। और किसी भी सवाल को गलत सवाल ना समझें, बच्चों वाला सवाल ना समझें। द बेस्ट क्वेश्चन आर बच्चों वाले सवाल, बच्चा पूछते ही फलसफे के सवाल हैं। ओके, राइट क्वेश्चंस की तरफ जब तक नहीं दौड़ाएंगे, जब तक सवालों की तरफ नहीं दौड़ाएंगे। असली स्टूडेंट वो नहीं होते जो असली जवाब देते हैं, वो सबसे नकम्मे स्टूडेंट होते हैं जो सही जवाब दे रहे होते हैं, क्योंकि वो उसके ताबे आ रहे हैं टीचर के। जो असली स्टूडेंट होता है वो असली सवाल, सही सवाल पूछ रहा होता है। ओके, इफ़ यू कैन आस्क द राइट क्वेश्चंस योर IQ इज गोइंग अप, इफ़ यू कैन आंसर द राइट क्वेश्चन योर IQ इज गोइंग डाउन, बिकॉज आपने लॉक कर दिया कि यही जवाब है इसका। ओके?